मनीषा रानी को देखा है जो कि मुझे बड़ी एंटरटेनिंग लगी, तो मैं ऐसा देख नहीं रही हूँ, फॉलो नहीं करती हूँ बिग बॉस। मैं एक्चुअली पहली बार खतरों के खिलाड़ी देखने वाली हूँ अभी, क्योंकि शिव है ऑफकोर्स और अब्दू भी है, तो मैं तो हमेशा से आई एम रूटिंग फॉर शिव, स्टिल रूटिंग फॉर शिव एंड ऑलवेज आई विल रूट फॉर शिव। सिंबुल क्या कहना चाहोगे, घर में जा रहे हो आप इतने दिनों के बाद? एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट फीलिंग है, इतने टाइम के बाद वापस से सेम सेट पे और घर के अंदर जा रही हूँ, तो अलग लग रहा है बहुत ज़्यादा, पर अच्छा भी लग रहा है। तो आई बिलीव आप म्यूजिक वीडियो को अपने प्रमोट करने आई हैं, तो कुछ उसके बारे में बताइए, क्या मस्ती का धमाल हो रहा है? तो जैसे गाने का नाम है साजिश है और जिसका टीजर आ चुका है और ऑडियो ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं बस ये चाहती हूँ लोग गाना सुने, बहुत खूबसूरत गाना है, लव स्टोरी है एंड वही जो टैगलाइन है हमारी कि मोहब्बत को साजिशों की परवाह नहीं होती, तो जो कि फैक्ट चीज़ है कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, कोई रहे नहीं रहे, पर अगर प्यार होता है किसी के लिए तो वो हमेशा रहता है, तो वही हमारे गाने का मतलब है। एनी आइडिया अंदर क्या एक्टिविटी होने वाली, क्या भारती कृष्णा के साथ शूट करेंगे डायरेक्ट कंटेस्टेंट के साथ? अभी तक तो मुझे नहीं आइडिया उस चीज़ का, पर अभी भारती दी है और कृष्णा भैया, तो मैं एक्साइटेड हूँ ज़्यादा से मिलने के लिए वापस से। अभी तो सबसे प्यारा गेम किसका लग रहा है भाई? अगर आप देख, मैं जेन्युइनली बोलूँ ना, मैं नहीं देख रही हूँ बिग बॉस, वो थोड़ी बहुत क्लिप्स आती है तो मैं देख लेती हूँ, तो थोड़ी कॉमेडी वगैरह रहती है, तो अभी तक मैंने जो क्लिप्स देखी हैं तो मैंने मनीषा रानी को देखा है जो कि मुझे बड़ी एंटरटेनिंग लगी, तो मैं ऐसा देख नहीं रही हूँ, फॉलो नहीं करती हूँ बिग बॉस, तो बस वही है। कौन जीत सकते हैं अभी? यार मेरे को नहीं आइडिया, क्योंकि पॉपुलैरिटी ज़्यादा है यूट्यूबर्स है इस बार गेम के अंदर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। मैं देख नहीं रही हूँ तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, शायद मैं अगर मिल के आऊँ उसके बाद फिर शायद मेरे एक राय बने, पर अभी फिलहाल ऐसा मुझे नहीं लगता। सो मैं भी इज ही कमिंग या इज ऑलरेडी इन? ओके, कुछ लास्ट आपसे पूछना चाहेंगे, अपने बिग बॉस के दिनों आप पूरी तरह भूल चुकी है, कभी कभी ग्लिम्सेस आते हैं, फैन शेयर करते हैं कुछ? हाँ नहीं, मतलब मेरे पास तो आते रहते हैं एडिट्स वगैरह, मैसेजेस भी आते हैं बहुत सारे, तो वो देख के ना बहुत ऐसे यादें ताज़ा होती हैं, जितनी भी मंडली के साथ सिचुएशंस रही हैं, जितनी मस्ती हम लोगों ने की है, तो यहाँ पे आने का मुझे सबकी बहुत याद आ रही है, तो मैं सबको एक एक बार कॉल करके मैंने बताया है कि मैं यहाँ पे आई हूँ वापस, क्योंकि ये बताने के लिए कि मेरे को याद आ रही है सबकी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, शिव और अब्दू जो है खतरों के खिलाड़ी में अभी देखेंगे, तो उनकी जर्नी क्लैम्स और कुछ बातें तो हुई रहेंगी, तो उनको खतरों के खिलाड़ी में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है? मैं एक्चुअली पहली बार खतरों के खिलाड़ी देखने वाली हूँ अभी, क्योंकि शिव है ऑफकोर्स और अब्दू भी है, तो मैं तो हमेशा से आई एम रूटिंग फॉर शिव, स्टिल रूटिंग फॉर शिव एंड ऑलवेज आई विल रूट फॉर शिव, इट्स जस्ट दैट कि मैं अभी देखूंगी, तो जितनी मेरी उससे बातें हुई हैं आई एम जस्ट होपिंग कि वो बहुत अच्छा करके आया हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।